अब आइए, आज का हमारा मेन टॉपिक है भाव। भाव फिक्स हैं, भाव स्थिर हैं, भाव जो है वही रहेंगे हर एक कुंडली में। नॉर्थ इंडियन स्टाइल में ये पहला भाव ही रहेगा और इसका स्पेशल नाम क्या है? लग्न। इंग्लिश में इसको असेंडेंट कह देते हैं, इसका नाम है लग्न। दूसरा भाव, ये तीसरा भाव, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, दसवां, ग्यारहवां, बारहवां। पहला, चौथा, सातवां, दसवां, ये कैसे दिख रहे हैं आपको? स्क्वायर, एकदम स्क्वायर दिख रहे हैं ना, बर्फी की शेप सी में। बाकी सारे ट्रेंगुलर हैं, देखो, दूसरा, तीसरा, पांचवा, छठा, आठवां, नौवां, ग्यारहवां, बारहवां, ये ट्रेंगुलर है। देखो, इस तरह भी आप थोड़ा याद कर सकते हो इनको। भाव इज ए संस्कृत वर्ड, इंग्लिश में क्या है? हाउस कह देते हैं। हाउस का मतलब तो घर होता है। भाव का बहुत गहरा मतलब है। भाव क्या है? अस्तित्व की एक स्थिति है, स्टेट ऑफ एग्जिस्टेंस, और मन की स्थिति, स्टेट ऑफ माइंड। तो कोई ग्रह किस भाव में बैठता है वो वैसे ही हो जाता है, ठीक है। जिस तरह आठवें भाव में गुरु बैठ गया तो तंत्र मंत्र में चला जाएगा आदमी, नौवें भाव में है तो परम अध्यात्म में, इस तरह से। हाउस जो है वो सही अनुवाद नहीं है भाव का। हाउस का मतलब तो घर होता है, हाउस से भी ज़्यादा अच्छा तो होम है, समझते हो ना। हाउस तो ईंट पत्थरों का कंस्ट्रक्शन है, होम क्या है? जिसमें परिवार के लोग प्रेम से रह रहे हैं। तो भाव शब्द बढ़िया है, भाव का प्रयोग करें। तो इट इज़ ए होम टू ऑल योर एक्सपीरियंसेस रिलेटेड टू दैट सेगमेंट ऑफ योर लाइफ। जिस तरह चौथा भाव क्या है? आपका मकान। पांचवा भाव क्या है? आपके दिल के मामले, ठीक है ना, हायर एजुकेशन, बाल बच्चे, क्रिएटिविटी, इस तरह से। और छठा भाव रोग, ऋण, शत्रु, आप उलझ रहे हो लोगों से, वो वाला है। तो जो जिस तरह आप खुद जैसे हो, आप ऐसे समझो, यू आर वन पर्सन, आई एम वन पर्सन। लेकिन जब मैं विवाह में किसी के जाता हूँ अटेंड करने, तो आप देखो वहाँ अलग तरह के गाने बज रहे होंगे, अलग तरह का माहौल होगा, सब सज संवर के आए होंगे। लेकिन किसी के मृत्यु में जाओ तो देखो वहाँ अलग ही टाइप का माहौल होगा, गमगीन, वहाँ कोई सज संवर के थोड़ा आएगा, ठीक है ना। फिर कहीं उपदेश हो रहे हैं धार्मिक, वहाँ जब आप जाते हो तो वहाँ अलग तरह का वातावरण होगा। वही आप हो, लेकिन वहाँ आपका माइंड चेंज हो जाएगा, बहुत कुछ अलग हो जाते हैं वहाँ उस वक्त में, ठीक है ना। इस तरह हम अंदर से जो हैं वो हैं, लेकिन वक्त के हिसाब से हमें बहुत कुछ चेंज होना पड़ता है, मोल्ड होना पड़ता है। बच्चों के सामने सीरियस होना पड़ता है, अपने कुलीग हैं उनके सामने आप कुछ और हो, बॉस के सामने कुछ और हो, इस तरह से। वही एक ग्रह है, लेकिन किस भाव में बैठता है वैसा ही ओढ़ लेता है वो वातावरण, वैसे फल देना शुरू कर देगा। तो घरों के बारे में जानते हैं, भावों के बारे में जानते हैं हम। जन्म कुंडली के सभी भावों में लग्न या प्रथम भाव सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। लग्न का मतलब ही होता है विवाह। तो लग्न में जो भी राशि आ गई, उसका जो भी स्वामी है, लग्न में जो भी ग्रह बैठे हैं, लग्न को जो भी ग्रह देख रहे हैं, उसे विवाह हो गया। आपका अब डिवोर्स नहीं ले सकते इस जीवन में, उसका असर रहेगा ही रहेगा, ठीक है ना। विवाहित व्यक्ति अपने पार्टनर से कुछ जगह डिवोर्स ले सकते हैं, लेकिन कुंडली तो जब बन गई, बन गई पूरे जीवन के लिए। तो बाकी सभी 11 भाव पहले भाव से आधारभूत रूप से जुड़े हैं, क्योंकि पहले में जो राशि आएगी उसके बाद दूसरे में उससे अगली राशि होगी, वो अपने आप चूज नहीं कर सकता। जो भी राष्ट्रपति बन गया, पहला नागरिक बन गया वो, उसके बाद बाकियों का बनेगा हिसाब किताब। तो लग्न विशेष में परिवर्तन के अनुसार ग्रहों के नैसर्गिक स्वभाव में भी परिवर्तन आ जाता है। तो अब आप सोचो, मान लो लग्न में नौवीं राशि आ गई, तो शनि दूसरे और तीसरे का स्वामी हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन अगर शनि की ही दसवीं राशि लग्न में आ गई, तो शनि लग्न और दूसरे का स्वामी है, तो बारहवीं राशि आ जाएगी तीसरे में, उसका असर पड़ जाएगा सारा। कोई व्यक्ति कितना ही ज़्यादा ये समझ लो प्रबुद्ध क्यों ना हो, इंटेलिजेंट क्यों ना हो, लेकिन उसे जो पोस्ट मिल गई उसके हिसाब से काम करना पड़ेगा उसे, ठीक है ना। ये मतलब है सीधा सा, उसके असर आएंगे, उसी तरह से दिमाग उठता चला जाएगा उसका, उसकी थिंकिंग वैसी हो जाएगी। अब ये भावों की प्रकृति निर्धारित करते हैं हम, ठीक है। आप साथ में कॉपी पेंसिल लेके रख सकते हो, लेके रखा करो, ठीक है ना। नॉर्थ इंडियन स्टाइल में उस पर होरोस्कोप बना लीजिए, अलग अलग कैटेगरी में बांटेंगे अब हम कई तरह से। जो पहला, पाँचवा, नौवा भाव है ना, उनको धर्म भाव भी कहते हैं। पहला, पाँचवा, नौवा भाव, उनको कहते हैं धर्म भाव। फिर इनसे अगले एक एक जोड़ दो इसमें, एक में एक जोड़ेंगे दो, पाँच में एक जोड़ेंगे छः, नौ में एक जोड़ेंगे दस। तो दूसरा, छठा, दसवां भाव, ये अर्थ भाव, अर्थ मतलब मेटेरियलिस्टिक चीज़ें। फिर इसमें एक एक जोड़ दो, तीन, सात, ग्यारह भाव, इनको क्या कहते हैं? काम भाव।
राशियां भी आपको बताई थी ना, 1, 5, 9 राशियां धर्म राशियां थी, 2, 6, 10 राशियां अर्थ राशियां थी, 3, 7, 11 राशियां काम राशियां थी, और 4, 8, 12 मोक्ष भाव होते हैं राशियां भी, ये मोक्ष होती हैं। तो ईजी हो गए, तो याद करना कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब आ जाओ कैटेगरी दूसरी, जो घर पहला चौथा सातवां दसवां ये सभी, इनको क्या कहते हैं, केंद्र भाव। हाउसेज 1, 4, 7, and 10 आर कॉल्ड केंद्राज और क्वाड्रेंट हाउसेज। दीज आर लाइक 4 पिलर्स ऑफ द होरोस्कोपिक बिल्डिंग। मान लो पूरा जन्मपत्री एक किस्म से इमारत है, भवन है, तो उस भवन के ये 4 स्तंभ हैं, समझ लो स्तंभ, एंड आर हाईली सिग्निफिकेंट हाउसेज, बहुत महत्वपूर्ण भाव होते हैं ये, इनको विष्णु स्थान भी कहते हैं। पहला पांचवा नौवा भाव जिनको त्रिकोण भाव कहा था हमने या धर्म भाव कहा था, उनको लक्ष्मी स्थान भी कहते हैं, जबकि केंद्र भावों को विष्णु स्थान भी कहते हैं। ठीक है, तो लक्ष्मी स्थान का तो मतलब क्या है, पूर्व पुण्य आपका अचेतन अपने आप चीज़ें आपको मिल रही हैं, या उल्टा सीधा हो रहा है पता ही नहीं चल रहा क्यों हो रहा है। तो अगर आपके लक्ष्मी स्थान बहुत अच्छे हैं तो ऑटोमेटिकली आपकी इच्छाएं पूरी होती चली जाएंगी। जबकि विष्णु स्थान क्या है, इसमें अगर शुभ ग्रह बैठे हैं, स्ट्रॉन्ग है ये, तो आप कर्म करोगे चैतन्य रूप से और वो फलित हो जाएगा, वो फल मिल जाएगा, ये मतलब है सीधा। ठीक है ना भाई, एक तो ये है कि आपको किसी ने शेयर दे दिए, पता चले जी वो किसी की डेथ हो गई, उन्होंने पहले से करोड़ों के शेयर ले रखे थे, वो तो है लक्ष्मी स्थान का फल। विष्णु स्थान में क्या, आपने खुद शेयर मार्केट में हाथ जमाना शुरू किया, मेहनत की, पढ़ा, धीमे धीमे लगाए शेयर, कंपनी के बारे में खंगाला, तो आपको फ़ायदा होने लग गया, ये मतलब है विष्णु स्थान का। तो चैतन्य कॉन्शियसली सोच समझ के कर्म जो करते हैं उसके फल हैं ये। अब आइए जो 1, 4, 7, 10 थे ना पिछली में, 1, 4, 7, 10 इसमें एक एक जोड़ दो, तो 2, 5, 8, और 11, ठीक है ना। तो दूसरा पांचवा आठवां ग्यारहवां भाव, इनको पणफर कहते हैं, पणफर। पणफर का सिंपल ये मतलब उत्तरवर्ती, पहले से दूसरा, जो पहले डिस्कस कर चुके उनसे अगला बस। फिर आइए 3, 6, 9, 12 भाव, इनको आपोक्लिम कहते हैं, अपोक्लिम या आपोक्लिम, ठीक है, ये नाम है इनके, संज्ञा है, इस तरह लाल को लाल कहते हैं, पीले को पीला कहते हैं, भाई इस तरह से थोड़ा सा याद कर लो, क्योंकि कई जगह ये टर्मिनोलॉजी यूज़ की होगी, आपोक्लिम भाव में ग्रह बैठे हों इस तरह की बात, तो आप गड़बड़ा जाओगे, आपोक्लिम होते क्या हैं, तो आपको पता होना चाहिए 3, 6, 9, 12 आपोक्लिम, या याद करने के लिए 1, 1 में 3 जोड़ो 4, 4 में 3 जोड़ो 7, उसमें 3 जोड़ो 10, ये सब केंद्र, फिर 1 के बाद 2, 2 में 3 जोड़ो 5, 8, 11 इस तरह जोड़ते चले जाओ, पणफर और ये आपोक्लिम बस। फिर आइए हाउसेज 1, 5, 9 को त्रिकोण भाव या ट्राइन्स या सिंपली कोण भी कहते हैं, कोण, त्रिकोण, इंग्लिश में ट्राइन्स, बहुत ही शुभ होते हैं ये, इसलिए इनको लक्ष्मी स्थान कहते हैं। लक्ष्मी की पूजा करते हैं ना दिवाली पे, हमारे यहाँ पैसा जिसको चाहिए, लक्ष्मी भी अष्टलक्ष्मी है, कोई भी टाइप की असेट, पुत्र लक्ष्मी, धन लक्ष्मी, राज लक्ष्मी, यौवन लक्ष्मी, रूप लक्ष्मी, अन्न लक्ष्मी, धन लक्ष्मी, ज्ञान लक्ष्मी, आदि लक्ष्मी, तो ये सब जो चीज़ हम जीवन में चाहते हैं वो सब लक्ष्मी है। आजकल आईफोन लक्ष्मी है, ठीक है। तो त्रिकोण भाव अचेतन कर्मों के द्योतक हैं। अब आपका लग्नेश लग्न में बैठा है, मज़ेदार चीज़, लग्नेश लग्न क्या है, त्रिकोण भी है, केंद्र भी है, वहीं पे लक्ष्मी, वहीं पे विष्णु, और वह वहीं बैठा है, अपने आप होना शुरू हो जाएंगी चीज़ें जो जो जब जब चाहोगे, तो ये शुभ भी हो सकता है लेकिन अशुभ भी हो सकता है, डिपेंड करेगा वो कितना कैसा है ट्राइनल हाउस। त्रिकोण भाव और केंद्र भाव मिल के क्या करते हैं, दे डिटरमाइन हेल्थ, वेल्थ, प्रॉस्पेरिटी, डिग्निटी, स्टेटस एंड वर्च्यू ऑफ ए नेटिव। तो इनसे क्या क्या मिलता है, स्वास्थ्य, धन, समृद्धि, गरिमा, स्थिति और गुण। आप ये समझ लीजिए अकेली लक्ष्मी कुछ नहीं कर सकती और अकेले विष्णु भी कुछ नहीं कर सकते। जब लक्ष्मी विष्णु मिल जाएंगे तब बच्चे पैदा होंगे, आगे घर गृहस्थी तब बनेगी, समझ रहे हो बात को। मतलब जब आप चाहते हो कि फल मिले, जो भाव है ना, भावों के फल मिलें, तो कब मिलेंगे, बढ़िया बढ़िया, जब त्रिकोण यानी लक्ष्मी और केंद्र यानी विष्णु दोनों का योग बन जाए बढ़िया सा, तब फुलफिलमेंट ऑफ डिज़ायर हो जाती है। और लग्न अपने आप में ऐसे समझ लो
अर्धनारीश्वर है। लग्न क्या है, केंद्र भी है त्रिकोण भी है। नर नारी की अवधारणा है ना हमारे यहाँ, अर्धनारीश्वर की मूर्तियाँ भी मिलती हैं कि आधा पुरुष आधा स्त्री, अपने आप ही पुनरुत्पादन जो कर सकता है, तो लग्न तो वो चीज़ है। ठीक है, तो इसलिए ये जो है ना बहुत बढ़िया योग माना गया केंद्र और त्रिकोण का ज्योतिष में। आगे आगे हम योग डिस्कस करने वाले हैं। तो लग्न क्या है, केंद्र भी है त्रिकोण भी है, सबसे शुभ भाव ये है। अभी तो बस केवल संज्ञा है इसकी कि सबसे शुभ भाव ये हो सकता है, लेकिन कई बार नहीं हो पाता, ये दूसरा कोई भाव हो जाता है। ठीक है ना, ये तभी होगा जब इसका स्वामी इसमें बैठा होगा या इसको देख रहा होगा, यहाँ पे शुभ योग बन रहे होंगे, लेकिन ना बने किसी और में बन जाएं तो वो हो जाएगा फिर। लेकिन सबसे ज़्यादा सामर्थ्य इसमें है, प्रोपेंसिटी इसमें है सबसे शुभ होने की। ठीक है, तो लग्न क्या है, केंद्र और त्रिकोण दोनों है, इसलिए कुंडली का सबसे शुभ भाव है ये। फिर 3, 6, 10, 11 भाव, इनको उपचय भाव भी कहते हैं। अब अलग अलग नाम है, देखो वही आप हो, लेकिन आप अपने पेरेंट्स के सामने बच्चे हो उनके, लेकिन आप जब कॉलेज स्कूल में जाते हो, बच्चे के स्कूल में, अपने बच्चे के स्कूल में जाते हो तो आप गार्जियन कहलाओगे। जब आप ऑफिस में जाते हो, किसी के आप बॉस हो सकते हो, किसी के सबॉर्डिनेट, वही आप हो लेकिन आपके अलग अलग नाम हैं। ठीक है ना, संज्ञा है। तो यहाँ पे इसी तरह से भाव जो 3, 6, 10, 11, इनको उपचय भाव भी कहते हैं। उपचय का मतलब क्या है, सुधार। तो ये जो भाव हैं इनमें मान लो कोई ग्रह बैठा है, उसकी दशा है, तो धीमे धीमे उसमें सुधार आएगा। और कैसे, स्ट्रगल करनी पड़ेगी, संघर्ष और कॉम्पिटिशन, प्रतिस्पर्धा से। अंत में क्या चीज़ लिखी है इस पर ध्यान देना, मटेरियल अचीवमेंट इन द एंड। 3, 6, 10, 11 भावों से आपको कोई आध्यात्मिक सफलता नहीं मिल जानी, भौतिक उपलब्धि मिल जाएगी। हाँ, अध्यात्म में प्रतिस्पर्धा की जरूरत ही नहीं है। प्रतिस्पर्धा की जरूरत कहाँ है, भौतिक उपलब्धि के लिए, कि एक लड़की है उसको पाना है जी। ठीक है, तो स्पर्धा हो रही है आपस में, या कोई पर्टिकुलर प्रॉपर्टी या पर्टिकुलर पोस्ट है वो पानी है, तो उसमें संघर्ष हो रहा है। अब आइए भाव 6, 8, 12, ये सारे के सारे मैं पिछली वीडियो में बहुत डिटेल में डिस्कस कर चुका हूँ। जो हम अपनी कुंडली पढ़ना कैसे सीखें, जो वो सीरीज हमने चला रखी है, तो वो सुनते रहिए। तो क्या है, 6, 8, 12 भाव का एक नाम है त्रिक भाव। तीनों को, 6, 8, 12 सभी को त्रिक भाव कहते हैं। अब आप कहोगे 6 तो यहाँ पे भी है, बिल्कुल 6 उपचय भाव भी है, इसलिए 6 इतना ख़राब नहीं है जितना 8 और 12 हैं। तो 6, 8, 12 भाव जनरली क्या है, बुरे फल देते हैं। जैसे डेट, कोई नहीं चाहता ऋण हो, डिजीज, बीमारियाँ, दुश्मनी, हानि, दुख, मृत्यु, बंधन, दुर्घटनाएं, ये सब अशुभ बातें मानी जाती हैं। ठीक है ना, तो 6, 8, 12 भावों से ज़्यादातर ये चीज़ें देखते हैं। इसमें 3 भाव भी जोड़ दो, तीसरा भाव, तो ये चारों फिर दुस्थान भी कहलाते हैं। 3, 6, 8, 12 सभी दुस्थान भी हैं। अब मज़ेदार चीज़ देखो, छठा भाव क्या है, छठा भाव उपचय भी था, त्रिक भाव भी है, तीन तीन कैटेगरीज में आ गए। ओके, तो ये सारे भाव जो है ना, तीसरा, छठा, आठवां, बारहवां, तीसरा भाव त्रिक भाव नहीं है। ठीक है ना, ये दुस्थान में तो है लेकिन उपचय भी है तीसरा भाव, तो इसलिए आठवें और बारहवें से ज़्यादा अच्छा है ये तीसरा, और इस तरह छठा भी, क्योंकि छठा भाव उपचय भाव भी है। तो ये क्या है, लेकिन सारे भाव मिलके बीमारियाँ, हानि, मृत्यु, इन सब के द्योतक हैं। इनसे, इन चीज़ों का विचार किया जाता है इन भावों से। अब आइए, आठवां भाव मृत्यु भाव है। इसको आजकल क्योंकि लोग डरते हैं मृत्यु से, तो हाउस ऑफ लॉन्गेविटी कहने लगे, डिप्लोमेटिक लैंग्वेज, आयुर्स्थान कह दिया मृत्यु स्थान की बजाय इसको। और आठवें से आठवां, मान लो ये आठवां है ना, इससे आठवां गिनो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, आठवें से आठवां कौन सा हो गया, तीसरा। तो तीसरा भाव भी मृत्यु स्थान है और आठवां भी। ज्योतिष में इसको कहते हैं भावात भावम न्याय, जिस भाव से जो देखते हैं वो लगन से जितनी दूर है, मतलब अष्टम भाव से मृत्यु देखते हैं, लगन से आठवां है ना ये, तो इससे भी आठवां, आठवें से आठवां कौन सा है, तीसरा, वहाँ से भी मृत्यु देखेंगे। जिस तरह चौथे भाव से देखते हैं आप अपनी जमीन जायदाद, प्रॉपर्टी, लैंड, मकान, माँ, व्हीकल्स, वो देखते हैं, तो चौथे से चौथा देखो, ये चार है ना, इसको मानो वन, वो उसको काउंट करना हमेशा, 1, 2, 3, 4,
ये सातों भाव है ना, इससे भी माँ का विचार किया जाएगा, जमीन जायदाद का विचार किया जाएगा, ठीक है ना, ये सब बातें। तो आठवें और तीसरे भाव को आयुर्स्थान या दीर्घायु भाव या मृत्यु भाव कहा जाता है। ये जीवन की अवधि और इस प्रकार मृत्यु का भी संकेत देते हैं। दूसरे और बारहवें भाव को मारक भाव भी कहा जाता है। मारक का मतलब ऐसे तो होता है किलर, लेकिन मारक भाव में ली स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं। कुंडली का पहला भाव पूर्व है, सूर्य पूर्व में उगता है और दक्षिण क्या है, दसवां घर, दसवां भाव, वहाँ से यात्रा करते हुए पश्चिम यानी सातवें भाव में अस्त हो जाता है। तो मिड डे टाइम कौन सा हुआ, टेंथ हाउस, और मिड नाइट टाइम कौन सा हुआ, चौथा भाव। तो ये है सनराइज, ये सनसेट, ये मिड डे है, ये मिड नाइट है, ये ईस्ट है, सूर्य इधर से ऐसे होता हुआ वेस्ट में छुप जाता है, ठीक है ना। ये इसको दो पार्ट में ऐसे कर दें तो ये ईस्टर्न हाफ हो गया, ये वेस्टर्न हाफ हो गया, या ऐसे कर दें ये सदरन हाफ हो जाता है, ये नॉर्दर्न हाफ हो जाता है, ये डार्क हाफ है, ये ब्राइट हाफ है, ठीक है ना। तो किसी की नींद कैसी होगी चौथे भाव से देखो, कर्म कैसे होंगे मतलब पैसा कमाने के लिए वो दसवें भाव से देखो,